हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एंजॉय एंड लव इन अविल में। अब तक हमने इन अविल के इतिहास के बारे में जाना, आज हम जानेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट 326 के इतिहास के बारे में। अभी आप ये जो फोटो देख रहे हैं, ये हमारी इन अविल डिस्ट्रिक्ट 326 की पहली डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी की फ़ोटो है। तो चलिए आज हम सुनते हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट 326 की इतिहास की कहानी हमारे डिस्ट्रिक्ट की चार्टर सेक्रेटरी पास डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन माया सुरजन जी की जीवनी। हमारे डिस्ट्रिक्ट को बने 35 साल हो गए हैं। इस समय डिस्ट्रिक्ट में लगभग 70 क्लब हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डिस्ट्रिक्ट 326 की शुरुआत सिर्फ 4 क्लबों से हुई थी, जिसमें रायपुर, जगदलपुर, सिवनी और कटक थे। डिस्ट्रिक्ट के संक्षिप्त इतिहास के साथ मैं कुछ और रोचक जानकारी आपको देना चाहती हूँ। डिस्ट्रिक्ट 326 का भौगोलिक क्षेत्र यानी एरिया बहुत बड़ा है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी है तो दूसरी तरफ नर्मदा नदी और बीच में महानदी इंद्रावती आदि। इसमें 3 प्रदेश हैं, ओडिशा, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग। यहाँ प्रमुख रूप से हिंदी, ओडिया व तेलुगु, ये 3 भाषाएँ बोली जाती हैं। वैसे तो डिस्ट्रिक्ट में हर भाषा, वेशभूषा और खान पान का चलन है, इसके कारण डिस्ट्रिक्ट को एक विशेष पहचान मिलती है। डिस्ट्रिक्ट 326 का गठन फरवरी 1985 में रायपुर में आयोजित रोटरी डिस्ट्रिक्ट 326 की कॉन्फ्रेंस में किया गया। उसके पहले तक हमारा एफिलिएशन इनरविल डिस्ट्रिक्ट 315 के साथ था। डिस्ट्रिक्ट 315 की चेयरमैन श्रीमती मैत्री मंगराज थी। मैं यानी माया सुरजन उस समय इनरविल क्लब ऑफ रायपुर की प्रेसिडेंट थी। जनवरी 1985 में मैंने विजयवाड़ा में आयोजित इनरविल डिस्ट्रिक्ट 315 की कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। वहाँ मैंने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मैत्री मंगराज वो एसोसिएशन प्रेसिडेंट मानव भक्त वसलम से हमारे नए डिस्ट्रिक्ट 326 के बारे में चर्चा की थी। फरवरी 1985 में रोटरी डिस्ट्रिक्ट 326 की कॉन्फ्रेंस रायपुर में आयोजित हुई। रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर KSN राव थे। यहाँ पर हमने डॉक्टर राव तथा अन्य सीनियर रोटेरियंस एंस व इनरविल मेंबर से चर्चा के उपरांत नए डिस्ट्रिक्ट 326 का गठन किया। श्रीमती ललिता जैन को सर्वसम्मति से चेयरमैन चुना गया। सिवनी की रचल रेजिनाल्ड वाइस चेयरमैन और मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी चुनी गई। एसोसिएशन प्रेसिडेंट मानव भक्त वसलम ने जून 1985 में रायपुर आकर डिस्ट्रिक्ट को विधिवत चार्टर प्रदान किया। यहीं से हमारे विकास की कहानी शुरू होती है। एक के बाद एक नए क्लबों का गठन होता गया और बहुत जल्दी हमने एसोसिएशन में भी अपनी पहचान कायम कर ली। मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट 326 के बारे में जो बात सबसे अच्छी लगती है वह यह है कि यहाँ रोटरी के 2 डिस्ट्रिक्ट बन गए, जबकि हमारा इनरविल डिस्ट्रिक्ट 1 ही बना हुआ है। यह हमारी संगठित ताकत व सिस्टरहुड का एक अच्छा उदाहरण है। इससे हमारी स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता का भी परिचय मिलता है। अंत में मैं आप सबको जुलाई में आने वाले इनरविल वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। आप सब इनरविल के उद्देश्यों के अनुसार मानवता की सेवा करें, यही कामना करती हूँ।